दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। हिमाचल प्रदेश से उद्योगों के पलायन के मुद्दे को लेकर बुधवार को विपक्ष ने विधानसभा सदन में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और वीरवार को भी विपक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सरकार के खिलाफ विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि BBN में सरकार की मिलीभगत से व बिचौलियों से परेशान होकर उद्योग पलायन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि निवेश लाने के लिए मंत्री और मुख्यमंत्री दुबई घूमकर आ गए, लेकिन किन किन औद्योगिक घरानों से मिले इसकी किसी को जानकारी नहीं है। पिछले कल विधानसभा के अंदर हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा मेडिकल डिवाइस पार्क पर चर्चा होते हुए जब मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कुछ विषयों को लेकर के जो मामले वहां पर उठाए गए थे, हमारे पूर्व में मंत्री रहे बेकिम सिंह ठाकुर जी और बाकी मान्य सदस्यों की ओर से, और उसमें बहुत हैरानी इस बात को लेकर के हुई कि जो बद्दी बरोटी बाला नालागढ़ में जो इंडस्ट्रियल पैकेज पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, उनका जिक्र नहीं किया, लेकिन जिक्र एक ऐसे नेता का किया कि जिनकी वजह से बद्दी बरोटी वाला में इंडस्ट्री लगी है और उन इंडस्ट्री आई है और उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उसमें नाम नहीं लेना चाहता हूं कि एक नेता सदन में है और उनके पिताजी का जिक्र किया गया उसमें, और जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने ये पैकेज दिया, जिस पैकेज की वजह से इतना बड़ा पैकेज मिलने के बाद बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में हमारा फार्मा का आज एशिया का नंबर वन हब बना हुआ है, आज हमारे लिए चिंता का विषय है कि अगर इतना बड़ा योगदान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा और उनके पश्चात अगर किसी प्रधानमंत्री का योगदान हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए, मदद करने के लिए रहा, वो रहा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बल्क ड्रग फार्मा पार्क, जहां पूरे देश भर में मात्र 3 मिले, एक हिमाचल को मिला। मेडिकल डिवाइस पूरे देश भर में जहां 3 मिले उसमें से एक हिमाचल प्रदेश को मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्री लगी हुई है, स्थापित है, काम चला हुआ था, वो पलायन करने के लिए विवश क्यों हो रही है, प्रश्न ये था, हमारी चिंता का विषय ये था, लेकिन इस बात को लेकर के जवाब नहीं दिया गया, जवाब उल्टा उस तरह से देने की कोशिश हुई और जिसमें काफ़ी नोकझोंक हमारे विक्रम सिंह जी के साथ की गई सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं के द्वारा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जो बार बार मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि हम अपनी शर्तों पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में वहाँ पर जो है वो इंडस्ट्री को लाएंगे, वो शर्तें क्या है? जो MOU हो चुका है, जिन इंडस्ट्री के बारे में बिडिंग हो करके वो सेंक्शन हो गई है, काम जमीन पर करना है, उसमें कौन सी शर्तें लगाना चाह रहे हैं अब? और शर्तें वही हैं, हट फिर करके बात वही आ रही है, उनके साथ मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ नेता इस प्रकार से शामिल हो गए हैं कि इस प्रकार की शर्तें लगाओ ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है आए हमारे पास, और आने के बाद हम अपनी कंडीशन उनके पास रखें, उनके सामने रखें, और सामने कंडीशन रखने के बाद फिर उसके बाद जो है उनकी बात सुननी है, माननी है, लगानी है, नहीं लगानी है, उस बात पर निर्णय करेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बद्दी बरोटी बाला नालागढ़ में अगर आप जाएंगे, एक कबाड़ तो एक बहुत बड़ा एक महकमा ही बन गया है, और उस महकमे का संचालन कहां से हो रहा है, आप इस बात को मालूम करो, वहां पर आप मीडिया में हैं, आप सबसे भी मेरा इस बात के लिए आग्रह है। एक छोटी सी JCB भी किसी की लगानी होती है तो एक ही जगह से आदेश होते हैं, एक ही घर से आदेश हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय वहां पर बना हुआ है। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं,
बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहां से पलायन कर चुकी है, कुछ एक इंडस्ट्री ने सामान समेट करके जाने का मन तय कर दिया है। और एक तरफ से मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं दुबई गया था, मेरा इंडस्ट्री मिनिस्टर भी दुबई गए थे। आखिर दुबई गए तो मिले किससे, हम भी गए थे दुबई, लेकिन हमारा सुबह से शाम तक का जो कार्यक्रम था वो एक एक मिनट का, एक एक पल का जो शेड्यूल था और वो सारा मीडिया की नज़र में था। हमने वहाँ पर इन्वेस्टर मीट की और उसके बाद लोगों के साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आने के लिए मन बना रहे थे उनके साथ इंटरेक्शन किया 1-to-1। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के टूर का और मंत्री जी के टूर का कोई भी जिक्र कहीं अखबारों में आया ही नहीं। उल्टा सोशल मीडिया में हमने देखा कि गए थे लेकिन एक शादी थी वहाँ पर, उस शादी के निजी समारोह में गए थे, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो जाएं। लेकिन इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में लाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अगर बात कही है तो वो हमको दिखनी चाहिए थी। इसलिए आज फिर से हमने इस बात को लेकर के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वहाँ पर जिस तरह से लूट चली है, एक दहशत का एक माहौल बना है, उस माहौल की वजह से पूरी इंडस्ट्री जो है पलायन करने के लिए विवश हो रही है। ये हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है और ऐसे में हमने इस बात के लिए कहा कि इस काम को बंद करिए। जो बल्क डग फार्मा पार्क जिसको 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया अलॉट हुए, उसका काम शुरू करना चाहिए। मेडिकल डिवाइस पार्क, वहाँ ठेके किसको दिए जाए, मिट्टी का ठेका किसको दिया जाए, जेसीबी किसकी लगाई जाए, डंगा किससे लगाया जाए, इन सारी चीज़ों पर ही काम चल रहा है। इसलिए मेरा यही कहना है मुख्यमंत्री जी से कि आप इसमें दखल दें, नहीं तो ये बातें बाहर अलग तरह से आ रही हैं जिसमें सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि ये सरकार की सहमति से हो रहा है। और इसलिए आज हमने अपनी बात को जाहिर करने के लिए सदन में जाने से पहले आपके सामने बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।